दोस्तों नमस्कार, ये हमारा छठा पार्ट है जो हम आप कॉलेज लेक्चरर जो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो ये छठवीं कड़ी है और अभी पांचवीं कड़ी बिल्कुल अभी हमने अपलोड की है। छठवीं कड़ी की चर्चा करते हैं और दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये उच्च स्तरीय पेपर हैं, ये अच्छे पेपर हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको देखिएगा जरूर जो नॉर्मली किताबों में हमें मिल नहीं पाते हैं। इन ए पॉपुलेशन द ऑर्गेनिज्म विच आर द लेफ्ट आफ्टर द डेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द सर्वीवोरस इफ द ग्रुप इज अ प्लॉटेड द बिटवीन द नंबर ऑफ द सर्वाइवर। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। कहता है इसका ऑप्शन क्या है, किसी समिष्ट में मृत जीवों के बाद बचे हुए जीवों की उत्तर जीवी कहा जाता है। यदि किसी समिष्ट के उत्तर जीवी की संख्या उसकी आयु के बीच ग्राफ बनाया जाए तो विभिन्न आकृति के बनते हैं, परंतु ये सजीव समिष्ट के अधिकांश सदस्य सामान्य मृत वृद्धावस्था में होती है, ऐसी सजीव समिष्ट उत्तर जीवी वक्र होगा। बताइए भाई आप लोग फटाफट। उत्तल आकार का कैसा होगा, कॉन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स द क्रिप्टोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज वृद्धि प्रारूप के आधार पर क्रिप्टोफाइट्स लक्षण है। तो क्रिप्टोफाइट्स किनको बोलते हैं, तो बताइए भाई। चलिए तो कहता है इनके लक्षण क्या हैं, आप फटाफट बताइएगा हमें। द पादप की चिरकालिकता कलिकाएं यानी जो पर्नेटिंग बर्ड्स और द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट आर प्रोटेक्टेड बिलो द सॉइल। कलिकाएं तथा संरचनाएं जमीन के नीचे सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। If one want to the study structure and stratification of plant community, which methods will be most suitable? Plot list method, chart method, count method और transect method कौन सा है? यदि कोई पादप समुदाय के संरचना एवं स्तरीकरण का अध्ययन करना चाहे तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है, आप लोग फटाफट बताइएगा। तो वो है ट्रांजेक्ट विधि है, तो वो सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वन विच शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ द प्लांट सक्सेशन। कौन सा प्लांट सक्सेशन की सही स्टेज है बताइएगा, ये तो है नहीं। तो ये तीसरा सही है, क्योंकि पहले क्रस्टोज लाइकेन आते हैं, फोलियोज आते हैं, तब मॉस आते हैं, फिर हर्बीवोरस स्टेज आती है, सर्व स्टेज, तब ट्री आती है। चलिए देखिएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। देखिए उसने आपको दो क्वेश्चन एक में जोड़े, उसने पिरामिड बायोमास ऑफ पॉन्ड पूछा और फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तालाब एवं वन के पारिस्थितिक तंत्र का जय भार पिरामिड होता है, उसने दोनों का पूछा, बताइए भाई। जय भार की बात कर रहा है, तो वो ये है इन्वर्टेड एंड स्ट्राइट रिस्पेक्टिवली, ये है इसका आंसर सही। इन ए फूड चेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर इज, तो वो कितनी होती है बताइएगा। वो होती है 10%। कितनी जाती है, 10%, एक से दूसरे में हरदम 10% जाती है। माइकोराजा हेल्प द मोबिलाइजेशन वन ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल द प्लांट इज, वो कौन सा है जो मिनरल्स मोबिलाइज होता है बताइएगा, तो वो है फास्फोरस। ये भी क्वेश्चन आया टीजीटी में अब पूछा गया है और ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया है। मैच लिस्ट फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैस लिस्ट सेकेंड, कंट्रीब्यूशन टोटल ग्लोबल वार्मिंग द फाइंड द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो।
भाई देखिएगा इसको, ए बी सी डी, सी ओ टू और मीथेन है, सी एफ सी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और के एल एम एन 20 और 66 और 14, बताइएगा भाई। इसका ऑप्शन थर्ड सही है, ए एल 60%, जो CO2 है वो 60% है। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस में असर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। बी में एम है, चलिए बी में देखते हैं, जो मीथेन है, एम है 6% है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसमें किसका कितना योगदान है, तो जो सबसे ज्यादा योगदान है तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। मीथेन का 6% ही है, और सी में एल है, तो सी में एल है, एल का मतलब है 60, हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, देख लेते हैं फिर से। ए में एल है, बी में के है, तीसरा बताया था ना, बी में के है, तो बी में के है 20%। मीथेन का योगदान 20% है, यानी पहली सबसे इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन। और सी में क्या है, सी में एन है, और सी में जो सी एफ सी एन है 14% है, और जो एन टू ओ है वो सिर्फ 6% है। तो ये आपके लिए ग्रीन हाउस का जो बेसिक नॉलेज था वो आप यहाँ से देखेगा, आप यहाँ से दो चीजें सीख रहे हैं। आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्टिव गैस कौन है, चारों मान लो ग्रीन हाउस गैसें आपको दे दे, तो सबसे इफेक्टिव कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कौन इफेक्टिव है, तो मीथेन, मीथेन के बाद कौन इफेक्टिव है, सीएफसी, और सबसे कम कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुपर ग्रीन हाउस गैस, सुपर ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा भाई। तो बोलते हैं नॉन क्लोरिनेटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसीएस, अति ग्रीन हाउस गैस कौन है, सुपर ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो एच एफ सी एस नॉन क्लोरिनेटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ध्यान के नॉन क्लोरिनेटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। अकॉर्डिंग टू द मेस एंड लेंडे 1991 एंड इंडेज स्पीसीज, जो इंडेज स्पीसीज हैं जातियां वह होती हैं, कौन सी हैं, तो वो जो 20 वर्षों या 10 पीढ़ियों में 20% विलुप्ति होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 20 वर्षों या तो 20 वर्ष का ले लेते हैं और या उस 10% का ले लेते हैं, 20 वर्षों या 10 पीढ़ियों में 20% विलुप्ता की संभावना है। विच प्लांट स्पीसीज इन पर्टिकुलर इंडिकेट बर्न्ड एंड हाईली डिस्ट्रीब्यूट कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, निम्न में कौन सी पादप जात विशेष रूप से जली हुई अत्यधिक रूप से अस्त व्यस्त कोणधारी वन वाले आवास दर्शाती है, बताइएगा। तो वो है टेरिडियम की जातियां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो जली हुई भूमि पर अस्त व्यस्त जो बिखरे रहते पौधे हैं तो वो टेरिडियम की जातियां। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपकी जिज्ञासा है उसको शांत कर रहे हैं, बहुत स्तरीय क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट 2012, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान आर रिस्पेक्टिवली, तो कितने थे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, तो 5 तो कंपलसरी हैं, तो इसका नेशनल पार्क 5 है, सब में कॉमन है। अब सेंचुरीज देखते हैं 2012 तक का, तो वो है 5 और 25। नेक्स्ट है, द ओनली ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लेमिगो इन इंडिया इज,
भारत में फेलिमिंगो या हंसावरों का प्रजनन का एकमात्र स्थान है गंगा का मैदान, समुद्री तट, दक्षिणी प्रायद्वीप, मरुस्थल या रेगिस्तान, बताइएगा। तो वो है मरुस्थल और रेगिस्तान। ये भाई फ्लेमिंगो बर्ड है, देख लीजिएगा, दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनमाटा एपिडेमिक वाज कॉज्ड बाय द मेथिल मर्क्यूरी। मेथिल मर्क्यूरी पेनिट्रेट्स इन चिल्ड्रन थ्रू ब्लड, प्लेसेंटा और जो जिनाइटल्स ऑर्गन्स हैं, वाटर्स, किसके द्वारा मिनमाटा जो वाज कॉज द मेथिल मरकरी, मेथिल मरकरी पेनिट्रेट द चिल्ड्रन थ्रू। मिनमाटा महामारी मिथाइल मरकरी कारण हुई थी, बच्चों में मिथाइल मरकरी प्रवेश करता है, किसके द्वारा प्रवेश करता है बताइएगा। प्लेसेंटा द्वारा। देखिए बहुत क्वेश्चन, अभी आप मिनमाटा जानते हैं, मरकरी से मिनमाटा होता है, मिनमाटा, तो अगर मान लो कभी पूछ दे कि बच्चे में कैसे प्रवेश होता है, किससे होता है, प्लेसेंटा द्वारा होता है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी द कैरिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स। विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण का उत्तरदायी भारत सरकार के किस मंत्रालय को सौंपा गया है, तो वो किसको सौंपा गया है, तो वो सौंपा गया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को। लाउडनेस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सोन्स, वन सोन इक्वल टू लाउडनेस, ध्वनि प्रबलता में सोन्स के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, एक सोन की किसके बराबर है बताइएगा भाई। वो है 40 डीबी के बराबर, यानी 1000 हर्ट्ज पर। ट्रोपोस्फेरिक और बैड ओजोन इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ द सर्टेन पॉल्यूटेंट्स SO2, NO2, एल्डिहाइड और यूवी रेडिएशन, रिएक्शन ऑफ सर्टेन पॉल्यूटेंट, सल्फर डाई, ये देखेगा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फीयर या बुरी ओजोन किस अभिक्रिया से बनती है, तो कुछ निश्चित प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एल्डिहाइड द्वारा बनती है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IUCN द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इन 2012 रिकॉग्नाइज्ड हाउ मैनी रेड लिस्ट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज, तो वो है 9। 2012 में जो इन्होंने कितनी लाल श्रेणी जो लिस्ट कैटेगरी को मान्यता प्रदान की थी, तो 9 श्रेणियों को मान्यता प्रदान की थी। द चीप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जो महानगरीय क्षेत्र हैं, जो वहां धूम का काम कौन करता है मुख्य, तो वो है कौन है बताइएगा आप। तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज कब लागू किया गया, तो इसका ऑप्शन है 3rd, 23 मई 1986, यानी 23 मई 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा एक्ट कब जारी हुआ, लागू हुआ, तो 23 मई 1986 में। द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हॉट स्पॉट आर, तो वो है द एरिया मस्ट कंटेन 0.5% वर्ड्स, कितनी हो, मस्ट कंटेन 0.5% ऑफ द वर्ड्स एंड 3 लाख स्पीसीज एंड शुड हैव लॉस्ट 70% और मोर ऑफ इट्स प्राइमरली वेजिटेशन। उस क्षेत्र को विश्व के 3000 जातियों में से 0.5% जातियों की उपस्थित हो,
जितनी भी जाति हैं उनमें इतनी उपस्थित हो, इस क्षेत्र में प्राथमिक वनस्पति की 70% या अधिक का विलुप्त हो जाना। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो अभी आपको तुरंत मैं फिर उपलब्ध करा रहा हूँ। ये हमारी 5वीं कड़ी 6वीं कड़ी है। तो दोस्तों एंजॉय करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।